ओके हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमजोन डेवलपिंग साइंटिफिक अप्रोच। इस वीडियो में बात कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देखिए, एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करें तो वैसे तो देखा जाए कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की जो डिस्टेंस होती है उसे हम एटॉमिक रेडियस कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल में रीजन ये है कि हम एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी एक्यूरेट पोजीशन को हम बता नहीं सकते, अनसर्टेनिटी बनी हुई है। सो इसे मेजर करने के लिए, एटॉमिक रेडियस को मेजर करने के लिए हम कोवेलेंट रेडियस और वैन डर वाल की हेल्प से क्या करते हैं, मेजर करने का काम करते हैं। तो बात आती है कि एटॉमिक रेडियस है क्या। तो देखिए, एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पर लीथियम, और लीथियम का एटॉमिक नंबर है 3, और जब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखता हूँ तो 1s2 और 2s1 होता है। सिमिलरली मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। राइट, अगर मैं इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करूँ तो लिथियम की अगर मैं बात करूँ तो लिथियम का ये हो जाएगा न्यूक्लियस और इसके आसपास क्या हो जाएगी, शेल हो जाएगी। तो फर्स्ट हमारे पास है 1s2, सेकंड हमारे पास है 2s1। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ सोडियम एटम की, तो सोडियम एटम का ये हो गया न्यूक्लियस और इसकी कुछ सेल हो गई है। तो फर्स्ट 1s2, सेकंड है 2s2 एंड 2p6 एंड लास्ट हमारे पास 3s1। बात आती है कि एटॉमिक रेडियस, देखो एटम का मतलब होता है एटम, और एटम की अगर हम रेडियस की बात करें तो ये है एटम का न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी बात करें। सो डिस्टेंस बिटवीन कहां से, न्यूक्लियर टू आउटर मोस्ट शेल की जो डिस्टेंस होती है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की जो डिस्टेंस होती है उसी को कहा जाता है एटॉमिक रेडियस। फर्स्ट, सेकंड हमने लिया सोडियम का एग्जांपल, तो ये रहा सोडियम का न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल कहां पर आ रहा है इसका, 3s1। तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कहां है, 3s1 में। सो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की जो डिस्टेंस होगी इसी को कहा जाता है एटॉमिक रेडियस। लेकिन क्वेश्चन तो ये भी है कि हम इलेक्ट्रॉन की एक्यूरेट पोजीशन को नहीं बता सकते, क्योंकि वो तो कंटिन्यू और अपने सेल के अंदर क्या करता है, रिवॉल्व करते रहता है। तो इसी एटॉमिक रेडियस को मेजर करने की अगर हम बात करें तो हम मेजर करते हैं कोवेलेंट रेडियस और वैन डर वाल रेडियस से एटॉमिक रेडियस को हम मेजर करते हैं। ठीक है, क्या कहा वापस समझना, एटॉमिक रेडियस का मतलब होता है न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस की अगर हम बात करें, जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी जो डिस्टेंस होती है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की जो डिस्टेंस होती है उसी को कहा जाता है एटॉमिक रेडियस। लिथियम का एग्जांपल लिया हमने, इसी तरह से हम सोडियम के एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। ये लिथियम का न्यूक्लियस है, या कहें कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। वैसे सोडियम, सोडियम के न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल की जो डिस्टेंस उसको हमने एटॉमिक रेडियस का, एटॉमिक रेडियस को हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट रेडियस और वैन डर वाल रेडियस से हम उसको क्या करते हैं, मेजर करने का काम करते हैं। अब बात आती है कि कोवेलेंट रेडियस भी क्या है। तो कोवेलेंट जो रेडियस है इसकी अगर हम बात करें तो होमोडायटोमिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके रिस्पेक्ट में हम कोवेलेंट रेडियस को निकालते हैं। तो होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स, होमो का मतलब होगा कि सेम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होंगे, और जब दो एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सीएल और मैंने ले लिया दूसरा सीएल, तो ये दोनों क्या है, हमारा क्लोरीन भी एक एटम है और दूसरा क्लोरीन भी हमारे पास एटम है, दोनों सेम है, इसलिए हम इसको बोलेंगे होमो, और दोनों क्या एटम है, तो डायटोमिक, डाई का मतलब दो, तो ये एक क्लोरीन और सेकंड क्लोरीन, तो दो हो गए, तो डाई और एटोमिक मतलब दोनों एटम है, और होमो है मतलब सेम है, और मॉलिक्यूल्स कब बनेंगे, जब दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो ये मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे। सो होमो इसलिए कहा क्योंकि दोनों सेम है, डाई इसलिए कहा क्योंकि दो है और दोनों क्या है एटम है, तो इसको कहा था होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो Cl2 क्या बन जाता है, हमारा होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बन जाता है। अब होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये हमारा एक Cl है और ये हमारा दूसरा Cl है, मतलब Cl का ये देखो, ये जो पूरा सर्कल मैंने बना रखा है इसको थोड़ा सा इरेज कर देते ताकि क्लियर हो जाए। देखिए, अगर हम कोवेलेंट रेडियस की बात करें तो ये मेरे पास है Cl, एक Cl हमारे पास है और ये Cl का न्यूक्लियस है, ठीक है, वन क्लोरीन एटम का न्यूक्लियस क्या हो गया हमारा, ये सेंटर पॉइंट। सिमिलरली हमारे पास एक और क्लोरीन एटम है जिसका सेंटर पॉइंट क्या हो गया, ये रहा, तो दोनों क्लोरीन एटम क्या होगा, आपस में ज्वाइन होगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स बन चुका है, और मॉलिक्यूल्स बनने के बाद हम बात कर रहे हैं कि इस क्लोरीन का जो सेंटर पॉइंट है उसकी जो डिस्टेंस होगी वो जहां पर कंबाइन हो रहा दूसरे एटम के साथ, मतलब सेकंड वाले क्लोरीन के साथ, तो उसका जो हाफ डिस्टेंस होगा वो हमारा कहलाता है कोवेलेंट रेडियस। क्या कहलाता है, कोवेलेंट रेडियस। वापस समझना, एक क्लोरीन एटम ये रहा हमारे पास, सेकंड क्लोरीन ये रहा,
फर्स्ट क्लोरीन का न्यूक्लियस या रहा सेकंड क्लोरीन का न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस से जहां पर ये क्लोरीन एटम दोनों कंबाइन हो रहे उनका भी हाफ जो डिस्टेंस होती है उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है कोवलेंट रेडियस कहते हैं। अगर आप इधर निकालते हो तो यहां से यहां तक की भी जो डिस्टेंस होगी वो भी आपकी क्या होगी कोवेलेंट रेडियस ही होगी। किसी एक को मेजर कर लेते हैं और एक गैस्ट्रो में इसको हम क्या करते हैं मेजर करने का काम करते हैं। तो ये तो हुई क्लोरीन एटम की बात। इसी तरह से हम जो भी और भी जो एटम्स हैं जो होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं उनके हम कोवेलेंट रेडियस इजीली से निकालते हैं। काम की बात तो ये कि कोवेलेंट रेडियस निकालते समय वहां पर हमें सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। क्लोरीन के बीच में क्या है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो हम इसको इजीली से निकालते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि वैन डेर वाल रेडियस क्या होती है तो वैन डेर वाल रेडियस की बात करें तो अभी हमने क्या करा था कोवेलेंट रेडियस में एक मॉलिक्यूल्स लिया था। अब यहां पर हम क्या करते हैं दो मॉलिक्यूल्स होते हैं फर्स्ट मॉलिक्यूल और सेकंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो फर्स्ट मॉलिक्यूल्स के नेबरिंग मॉलिक्यूल्स भी देखने को मिल गए। तो यहां पर तो देखिए ये जो डिस्टेंस है ये कोवेलेंट रेडियस है। अगर मैं एक और मॉलिक्यूल इसके साथ में कंबाइन कर दूं कुछ इस तरह से, ठीक है, तो अब बात आती है कि न्यूक्लियस तो ये रहा हमारा इस तरह से ये मॉलिक्यूल्स है तो ये भी एक मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया एक मॉलिक्यूल्स हो गया और ये भी हमारे पास क्या था एक मॉलिक्यूल्स था। तो इस मॉलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूं तो ये और ये दोनों आपस में कंबाइन है। तो इस वाले न्यूक्लियस से ये मॉलिक्यूल्स और ये मॉलिक्यूल जहां पर जुड़ रहे हैं जहां पर दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं उनकी हाफ जो डिस्टेंस होगी उसी को कहा जाता है वैन डेर वाल रेडियस। क्या कहा जाता है वैन डेर वाल रेडियस। क्या कहा मैंने कि एक मॉलिक्यूल्स आपका ये रहा और एक मॉलिक्यूल्स ये रहा। ये मॉलिक्यूल्स जहां पर दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो रहा है उसके हाफ डिस्टेंस और हमारे न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस होगी किसी एक मॉलिक्यूल चाहे आप इधर से ले लो चाहे आप इधर से ले लो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम बोलते हैं वैन डेर वाल रेडियस। ठीक है, अब बात आती है कि ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस जो मॉलिक्यूल्स है हमारे पास इन दोनों न्यूक्लियस की बात कर लो मान लो ये वाला न्यूक्लियस और ये वाला न्यूक्लियस दोनों एटम का तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी। तो इसको कहा जाता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्योंकि न्यूक्लियस की डिस्टेंस की बात हो रही। तो इस वाले पॉइंट से अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या हो जाएगा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हो जाती है हमारे पास। ठीक है, तो क्या कहा मैंने वापस समझना। फर्स्ट हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है तो न्यूक्लियस से आउटर मोशेल की जो डिस्टेंस होती है उसे एटॉमिक रेडियस कहा जाता है और एटॉमिक रेडियस को हम मेजर करते हैं कोवेलेंट रेडियस और वैन डेर वाल रेडियस से। कोवेलेंट रेडियस की बात करें तो होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे न्यूक्लियस से जहां पर वो किसी दूसरे एटम से कंबाइन होता है उसके हाफ डिस्टेंस को कहा जाता है कोवेलेंट रेडियस। और वैन डेर वाल के अंदर हम दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं दोनों मॉलिक्यूल जब कंबाइन होते हैं तो किसी एक मॉलिक्यूल्स का न्यूक्लियस दूसरे मॉलिक्यूल्स के न्यूक्लियस जहां पर कंबाइन होता है उसका हाफ जो डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं वैन डेर वाल रेडियस। और दोनों एटम के जो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस होती है उसे हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं। ये दो एटम है इन दोनों के बीच की जो एटम है इनके जो न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस उसको इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहा जाता है। अब बात आती है कि एटॉमिक रेडियस काम की क्या है। तो एटॉमिक जो रेडियस है ये एसेंशियल होती है डिटरमाइनिंग मैनी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। जो भी एलिमेंट्स हमारे पास है उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करने के लिए एटॉमिक रेडियस क्या होती है एसेंशियल होती है। सो इसीलिए हमें एटॉमिक रेडियस पढ़ना भी जरूरी है क्योंकि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम डिटरमाइन कैसे करेंगे। सो फर्स्ट हमारे पास है एटॉमिक रेडियस। अब बात आती है कि पेरियोडिक टेबल में इसका क्या रोल है। तो देखिए पेरियोडिक टेबल में हमें दो कंसेप्ट देखने को मिलते हैं एक लेफ्ट टू राइट और एक टॉप टू बॉटम। अगर हम फर्स्ट बात करते हैं लेफ्ट टू राइट की इसे मुझे इरेज करना होगा। देखिए फर्स्ट मैं कंसेप्ट की बात करता हूं कि पेरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें कि मेरे पास क्या है पेरियोडिक टेबल है और पेरियोडिक टेबल में इस एटॉमिक रेडियस का क्या रोल है। तो देखिए फर्स्ट मेरे पास पॉइंट आता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा पेरियोडिक टेबल में। सेकंड मेरे पास आता है टॉप टू बॉटम। अगर मैं टॉप टू बॉटम जाता हूं तो क्या होता है तो मेरे पास दो कंसेप्ट है। अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो क्या होगा एटॉमिक रेडियस पर इफेक्ट देखने को मिलेगा और टॉप टू बॉटम आने पर मेरे को क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। तो फर्स्ट तो हम बात करते हैं लेफ्ट टू राइट। तो जब आप एस ब्लॉक एलिमेंट मतलब हाइड्रोजन लिथियम सोडियम और इधर है बेरिलियम मैग्नीशियम और फिर आप इधर मूव करते हैं मतलब यहां से लेफ्ट टू आप कहां जा रहे हो राइट साइड जा रहे हो। सो लेफ्ट से राइट साइड जाने पर क्या होता है एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। क्या होती है डिक्रीज होती है। सो एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करें इफ वी टॉक अबाउट द एटॉमिक रेडियस और अगर हम जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है डिक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट जाने पर। क्यों होती है डिक्रीज देखिए आप जैसे मेरे पास है लिथियम
उसके बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और भी आएगा। तो लिथियम की एटॉमिक रेडियस कितनी, 1.23 एंगस्ट्रॉम। फिर हम बात करें बेरिलियम की तो 0.89, बोरॉन की बात करें तो 0.80, कार्बन की बात करें 0.77, नाइट्रोजन की बात करें तो 0.74। मतलब आप देखो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है एटॉमिक रेडियस। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे न्यूक्लियस का साइज बढ़ता है और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। इसको भी समझ लेते हैं एग्जांपल से तो और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास है, फर्स्ट में लेता हूँ लिथियम, और लिथियम का एटॉमिक नंबर जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि 1s2 2s1 होता है, और इसका अगर हम एटॉमिक बनाते हैं, ये इसका न्यूक्लियस है तो इसका फर्स्ट सेल इसका सेकंड सेल, तो 1s2 एंड 2s1, राइट। फिर हमारे पास आता है बोरॉन, बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 एंड 2s2। तो देखिए बेरिलियम के अंदर आपको देखने को मिलेगा न्यूक्लियस और उसके भी पास दो सेल मिलेगी, 1s2 एंड 2s2। फिर हम बात करते हैं बोरॉन की, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p1। इसको अगर हम बोरॉन को न्यूक्लियस बनाते हैं और इसके आउटर मोस्ट शेल बनाते हैं तो 1s2 2s2 एंड 2p1, कुछ इस तरह से आपको फिनोमेना देखने को मिलेगा। समझते हैं, देखिए न्यूक्लियस के अंदर अगर हम बात करें तो 3 प्रोटॉन है, कितने प्रोटॉन है इसके अंदर, 3 प्रोटॉन है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन के इक्वल होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास जेड होता है एटॉमिक नंबर, वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो जितने एटॉमिक नंबर होगा उतने प्रोटॉन होंगे, उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एटॉमिक नंबर 3 है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और 1 3, और प्रोटॉन कितने हो गए 3। तो न्यूक्लियस के अंदर 3 प्रोटॉन है और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमने कितनी देखी, यहां पर 1.23 देखी। अब बात आती बेरिलियम की, बेरिलियम की अगर हम बात करें तो क्या है हमारे पास, 1s2 2s2, यहां पर आप प्रोटॉन देखेंगे तो कितने हो गए, यहां पर प्रोटॉन आपको देखने को मिलेंगे 4, कितने प्रोटॉन है 4। तो न्यूक्लियस का साइज कहीं ना कहीं क्या होगा, लिथियम से थोड़ा सा बढ़ेगा, तो ये जो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट की जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज बड़ा है, सेल तो अपनी जगह पर है, देखो सेल यहाँ पर 2s था, यहाँ पर भी 2s2 हो गया, कुछ चेंज हुआ क्या, नहीं। तो चेंज जो देखने को मिल रहा, कहाँ देखने को मिल रहा, न्यूक्लियस का साइज थोड़ा सा क्या हो गया, बढ़ गया है एज कम्पेयर टू लिथियम से, क्योंकि लिथियम के अंदर 3 प्रोटॉन है लिथियम में, और बेरिलियम में कितने 4 है, इसका मतलब न्यूक्लियस का साइज क्या हो गया, बढ़ गया है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, तो रेडियस क्या हो गई, कम हो गई। बोरॉन की बात करते हैं, बोरॉन में देखिए और ज्यादा साइज बढ़ा, क्यों बढ़ा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटॉन है वो कितने हैं, यहाँ पर आपको प्रोटॉन 5 देखने को मिल रहे हैं, तो न्यूक्लियस का साइज और बढ़ गया और डिस्टेंस जो है वो और कम हो गई आउटर मोस्ट शेल की, क्योंकि अभी तक तो यहाँ पर 2s2 था, अब 2p1 भी आ गया, तो सेल तो फिक्स है लेकिन न्यूक्लियस का साइज क्या हो रहा है, ग्रेजुअली बढ़ते जा रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पर, और साइज बढ़ने से न्यूक्लियस का जो बोरॉन का जो न्यूक्लियर है वहां पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, मतलब प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, और आउटर मोस्ट शेल क्या बढ़ रही है, वो तो कांस्टेंट हो गई है। सो जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे न्यूक्लियस में बढ़ते हैं वैसे वैसे उसका साइज बढ़ता है और आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस क्या होती है, कम होती है। इसीलिए कहा जाता है कि लेफ्ट राइट जाने पर हमारी एटॉमिक रेडियस जो होती है वो डिक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम आने पर बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं, देखो मुझे इरेज करना पड़ रहा है, अब बात आती है टॉप टू बॉटम की, तो देखिए लिथियम है मेरे पास, फिर मेरे पास कौन आएगा, मेरे पास आएगा सोडियम, फिर मेरे पास आएगा पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रांसियम। तो जैसे जैसे मैं टॉप टू बॉटम आ रहा हूँ तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, एटम का नंबर बढ़ रहा है, देखो 3, 11, 19। सो जैसे अगर हम 1s2 और 2s2 2s1 की बात करूंगा तो इसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस थोड़ी सी कम है। जैसे सोडियम की बात आऊंगा तो फिर क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, मतलब देखिए अब डिस्टेंस और बढ़ गई। पोटेशियम के पास आऊंगा तो और हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 एंड 3p6 एंड 4s1। तो जैसे जैसे मैं क्या हो रहा है टॉप टू बॉटम आ रहा हूँ, ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, वैसे वैसे एटम का साइज क्या हो रहा है, ग्रेजुअली बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका छोटा था, इसका और बड़ा हुआ, इसका और बड़ा, इसका और हुई। तो जिस तरह से मैं नीचे आते जाऊंगा वैसे वैसे क्या होगा, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, तो इसका भी और बड़ा हो जाएगा और इसका भी क्या होगा, और बड़ा हो। तो टॉप टू बॉटम आने पर एटम का साइज क्या होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस क्या होती है, बढ़ती है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होती है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और न्यूक्लियस का साइज बढ़ता है और आउटर मोस्ट शेल जो इलेक्ट्रॉन होता है वहां पर डिस्टेंस कम हो जाती है। लेकिन टॉप टू बॉटम आने पर जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता है और न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस क्या होती है, बढ़ जाती है।
सो ये दो फैक्टर हमें देखने को मिलते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है और टॉप टू बॉटम आने पर क्या होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, और इस तरह से हम एटॉमिक रेडियस को समझते हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो तो मैंने इरेज कर दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा। सो